बचपन में तो दुखी नहीं थे, माँ बाप के साथ थे जब, तो मैं बहुत प्यार से रखी। अब माँ बाप ने दूसरे के घर निकाल दी, जब से मैं दुखी थी। बच्चे बच्चे खाने वाले हो गए थे, वो कमाने वाले नहीं थे, दारू बहुत पीता था, इसीलिए वो दारू दारू में ख़त्म हो गया। सुबह मैं मजदूरी कर को मैं पालती थी बच्चे को, हमने खूब मेहनत की। कम से कम 15-20 साल तक हमने ईंट पाड़ी। रात ने 2 बजे उठ के काम करना पड़ता वो ईंट का। फिर धीरे धीरे मेरे को भी काम धंधा मिल गया सही ढंग से, तो अब तो हमको शांति। बेटा मैं दवा खाने लिखा तो हाँ, मैंने दवा पास है हूँ, हाँ जी दान हर खांसी नहीं गोली लेती अभी, मैंने दवा भी लेती अभी ले ली, चल आ जा बेटा दवा खाने जाना हूँ। हाँ मैं गोली तो लाऊंगी खांसी नहीं। आज तो बुखार नहीं आया दादा ने, कम आया? हाँ ठीक है बेटा, आज फिर जाना। हाँ हाँ जा, मैं शाम को आऊंगी। हाँ तेरे लिए गोली लाऊंगी खांसी की। हाँ हाँ मैं जाऊँ। बज गई 8:30, हवा हो गई, तो मैं सोच रही कि मैं हमारी बिनी आ गई है, उनको काम भी बताना है और उनको काम सर्वुत करवाना है और हमको भी करना है। मैं घर आज रुका गई, मेरे को एक आधा घंटा लेट हो गई, तो मैं सोच रही मैं कैसे पहुंचूंगी एकदम से, तो मैं एकदम तैयारी जाने की हो रही, मैं रास्ता में रुक नहीं सकती। 7 गाँव ने बिनी है, तो 7 गांव से 2-2 बिने ली काम पे, और हम बाहर बाहर 1 साल भर तो टेलिंग मेघनगर दी मीटिंग में जाते, 1 साल हो गया हमको बाहर बाहर जाने में। अहमदाबाद गए, सूरज गए, आनंद गए, सेवा सस्ता में गए थे, तो सेवा सस्ता में कैसा काम चल रहा, वहाँ भी बिनी जोड़ा रही तो कैसे जोड़ाई हमको पता नहीं, तो उन बहनों ने हमको थोड़ा आइडिया बताया कि तुम पढ़ी लिखी नहीं है इसीलिए नहीं डरना, वो तो एक पढ़ी लिखी रहेंगी बहन तो अपना काम लिखा पढ़ी का कर लेंगी, और सब बहनें अनपढ़ हुए तो भी कर सके। तो हमने सोचा कि अपन क्यों नहीं कर सकते, अपन भी करेंगे। राम राम बिलो। राम राम। राम राम। काम चालू कर दिया? हाँ कर दिया। हाँ ठीक है। के बाद हम जयपुर में गए, वहाँ ये फैक्ट्री हमने देखी। 8 दिन हम वहाँ काम किया, अलग अलग मशीन पे सब बहनों को रखी और उनको काम सिखाया, और हम भी सीखे, तो हमको पूरी मशीन खोलकर हमको बता देते कि ये मशीन तुम सीख दो, बार बार बताने कौन आएंगे तुमको, तो हमने ध्यान दिया कि हमको तो सीखना पड़ेंगी, ये थोड़ी रोज बताने आएंगे। ऐसे करके हमने पूरा ध्यान दिया, जैसे खोली जैसे फिट की ऐसे हमने पूरा आइडिया देखा, और हमने खुद फिर हमको किया कि अब तुम खोलो और तुम फिट करो, तो हमने खोली भी सही और फिट भी की और चालू भी की हमने। शुरुआत में तो हमको दिक्कत नहीं थी काम करने की, कैसे करें कैसे करेंगे अपन कैसे काम चलेंगी, ये तो आदमी कर सकते, अपन बहने कहाँ जाएंगी किसके पास जाएंगी मांगने, किसी से बोलेंगी, अपन तो पट्टे में घुसा जाएंगी मर जाएंगी ऐसे कह रहे थे। तो धीरे से बीनू को मैंने समझाया, मजूरी अपन बाहर बाहर करने जाते थे, तो आज तो अपन घर बैठे मजूरी मिल गई और मकान भी बनवा दिया, तो ऐसे सोच कर हम बीनू को
एकदम से टीम आ जाओ बिनो, काम अपना है, ये सरकारी काम नहीं है और अपन पेमेंट लेने वाले नहीं है। कमाएंगे तो अपना, नहीं कमाएंगे तो अपना, तो अपन घाटा में क्या लेने जाएंगे? ऐसे कर को हम घर के समान मानते अपनी फैक्ट्री को। पहले तो बहुत शर्म आती मेरे को, कोई मैडम कह देता, मैं कहाँ मैडम भाई, मैं कहाँ पढ़ी लिखी हूँ, उनको बोलते मैडम, मैं पढ़ी लिखी थोड़ी हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, काम करने वाली, तो मेरे को क्या लेने मैडम बोलो, ऐसे करको मैं नहीं बोलती, मेरे को बहुत शर्म आती थी। अब तो कोई भी के मैडम तो बोलना पड़ता और बोलो भी सही। पहले तो इतने घूमट रखते गाँव में रखते, थोड़ी थोड़ी बिनों में आते आते इतने रखते, फिर थोड़ी इतनी रखी। अरे अरे तो हमारी फैक्ट्री बंद करवा दे वो। तो हमको मालिक बनवा दिया, सब बहनों को ऐसे ही मानते है, मालिक यही है, घर के मालिक, वहाँ के मालिक, सब करने वाले। हमारा हाथ में थोड़ी पूंजी हो गया, अब तो हम खुद जा सकते और खुद बात कर सकते, कहीं भी ला सकते। पहले हमारे हाथ में कुछ नहीं थे, अब तो हमारे पास फुल पावर आ गया, ऐसे हम सब बहने सोचती है, अपने पैदल पैदल चल जाएंगे। हमने तोप में है, अपन धूप में है, थोड़ी तो साया मिलेंगी पीछे, तो आज हम साया में बैठ गए, अब तो हम थोड़ी इंसान सुधर गए तो सबके पास बैठ सकते। पहले तो कितना कपड़ा बड़ा पहनते तो भी ऐसे शरीर लंगे के लंगे लगते थे, अब छोटा सा कपड़ा में पूरा शरीर ढका हुआ है तो कितना अच्छा लग रहा है। ये काट है, यहाँ से कहीं भी जगह पता लग जाए इनसे, वो वहाँ से फोन करे तो हम यहाँ सुन लेंगे, इसीलिए ये देना पड़ता हमको। क्या लिखा है उसमें? ये अमृत महिला औद्योगिक सहकार संस्था मर्यादित काजल डुंगरी में है, लो आप भी ले लो। लीलापुर से टिब्बा टिटू बिजली टिटिया रामू बड़ो फैक्ट्री में हम 15 बहने कर रहे काम, तो 15 बहनों माने हम कहीं न कहीं हरू, अपन तो बोल चाल तो हो जाते, कहीं नहीं ये काम बता रहे थे, ये काम करे मैं नहीं करूँ उसको बोल, ऐसे करने में थोड़ी मुँह डांट देती थी तो गुस्सा कर लेती थी, तो मैंने किया गुस्सा अपने शरीर में उतार दो, बाहर नहीं निकालना। फैक्ट्री माँ की लड़ाई फैक्ट्री माँ, घर की लड़ाई घर में, किसी को बताएंगे तो क्या वो थोड़ी अपनी लड़ाई टाड़ी पड़ेंगे, ठंडी तो नहीं पड़ने वाला, वो तो फिर ऐसे उबाल दे तो बड़ी हो जाए, तो इसीलिए हम बाहर नहीं निकालिए। देखो छोटी सी संस्था थी अमृत महिला औद्योगिक सहकार संस्था, छोटी थी, इसमें से मेरे को बड़ी करनी है, इतनी की इतनी नहीं रखूंगी मैं, इसीलिए कमा रही, काम चालू रहना चाहिए और कहीं कहीं फिर दूसरा आइडिया हम लगाएंगे और कहीं कहीं हिम्मत करेंगे, दूसरी फैक्ट्री डालेंगे प्लान, तो उनमें बहनों को जुड़ना है, इसीलिए बहनों को मैं आगे बढ़ाने चाह रही, क्यों तो अपने जिंदगी ऐसे पीछे के पीछे नहीं रहेंगे, अब तो अपन आगे बढ़ेंगे, आदमी को पीछे रखेंगे और अपन बढ़ेंगे। मारा नाम सीता पावड़ा हो, ओ पूरा भराना है, जो गाड़ी आई रही है गाड़ी आवे नहीं जाओ, गई थी स्कूल थोड़ा गया।
नहीं तो गावड़ा में पहला लड़की हूँ पढ़ने नहीं जाती। अब तो वैसे अधिक कर जाए पर पहला लड़की हूँ कहाँ पढ़ती, ज्यादा नहीं पढ़ती पर हमारे पढ़ाई तुम्हारी इच्छा से पांचवी तक ही दूंगी। पांचवी के बाद में स्कूल छोड़ दो, पांचवी के बाद में सासराड़ी को वही संबंध जोड़ दियो। छोटी सी उम्र में 15 साल में ससुराल आई गई थी, 15 साल की उम्र में ही गई थी। आती नहीं तो बुरो लागतो रोती। शुरू शुरू में छोटी छोटी लाड़ी ना आई सासरे तो बुरो नहीं लगे, लगे नहीं तो दुल्हन को ना आए नहीं नहीं तो वहाँ का वातावरण कैसा यहाँ का वातावरण कैसा बदलाव पड़ेगी। शुरुआत तो इनसे हुई, सीता भाई से। इनके घर आए थे वो मोहिनी मैडम, फिर इन्होंने मतलब गांव की महिलाओं को इकट्ठा करा, मेरे से पूछा कि आप समूह में रहना चाहती हो। गांव में महिलाओं के जो शुरू बार समूह बनाना बहुत कठिन है, बोले नहीं 100-100 रुपया हर महीने दांगा डूबी जाएगा न कोई भी नहीं देगो न पैसा अपना न्यून जाएगा न। मैडम बुलाई हो इंदौर वाला मोहिनी मैडम। धीरे धीरे समझाया, घरे जाइए बतायो ऐसो है अपना पैसा नहीं डूबेगा अपन के कहीं भी करी ना आगे बढ़नू है, तो इससे मतलब उनके हमारा पे विश्वास आ गया। इसकी एक विशेषता ये है कि गांवों में ये मेरे ख्याल से पूरे लोगों को पहले जानती भी नहीं थी, और अब हमेशा इसका ये एक लक्ष्य होता है कि किसी भी महिला की जाके बुरे समय में उसकी मदद करना, उसको आगे लाने का प्रयास करना, ये इसमें बहुत अच्छे अभी चेंज हुआ है। जब शुरू स्टार्टिंग करी थी तो शर्म सी लगती थी, अच्छो नहीं लगता था, गावड़ा का हिसाब से मतलब घूंघट निकालना पड़ता था, हंसी मजाक करेगा जींस लोग के थोड़ा ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है हंसी मजाक करने को, ले वे दूसरा को मजो, तो इससे थोड़ी शर्म आती थी। पर अब हमने सब छोड़ दो, क्या कोई कितना भी बको अपन का अपना काम करना ना करना। घर में आफत दिफत करी ना अपन 100 रुपये राशि इकट्ठी कर ला, कहाँ से भी करी ना अपन बैंक में जमा कर दो, हर महीने 100 रुपये दे दो, लाने को कोई काम नहीं तो इकट्ठी राशि हुई रही, तो महिला का सबसे बड़ा विश्वास है कि अपने पास कुछ है, क्योंकि अपना कने रहे तो अपन कहीं भी अगर कोई चीज आई चाहे गाँव में जाए हाट जाए कहीं भी तो कहाँ से भी कुछ भी खरीद के लो, तो अपना हिम्मत रहे तो कीमत दे, हिम्मत नहीं रहे तो कीमत कहाँ से दे। जाना वो टाइम आया जब इनने बताया था, बोला अपन कुछ को आनंद चलना है वहाँ सीलिंग सेंटर है ने देखांगा अपन वहाँ से कैसो लगे तुम्हारे, फिर न्याय ना आप जैसो वहाँ है ऐसो यहाँ कर जो हम कि हम नहीं आए क्यों हमने क्यों नहीं, एक दो दिन को टाइम हमारा नहीं मिले कहीं जवाए कोई भी नहीं जाए तो मैं अब अभी सुपरवाइजर नहीं है आदमी लोग के साथ में इतनी दूर एक दो दिन को लिए घर का आदमी टाइम दे दे, तो बोले आपके गाँव से मतलब एक बस पूरी भरी जाएगी 35 महिला की जिनमें 7 महिला आपका गाँव से भी लाना, 7 गांव की महिला जाएगी, तो फिर इससे हमने हिम्मत कर ली चलो जब महिला होने साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डर वाली बात तो है नहीं, तो फिर 5-7 महिला थी तो फिर चली गया हमारा अच्छा लगे बहुत अच्छा लगे। हमारा 20 महिला को समूह बनाया था हमने, जब भी हमने मतलब तय कर लियो कि एक दूसरा को विश्वास करनू है अपन के और संगठन मजबूत बनानू है ऐसी गाठन देने को छुटे है। समूह का नाम क्या रखे मैडम ने बताया था, हमने क्योंकि 9 दुर्गा चली रही है 9 रात्रि चली रही 9 दुर्गा ही महिला बचत समूह नाम रखा। समूह बनाई हर महीने 100 रुपया हम एक महिला का 100 रुपया 2000 रुपया महीनों बैंक में जमा करता, तो 4-5 महीना तक हमने जमा करे जिसका बाद हमारे मतलब महिला बाल विकास की ओर से 25,000 रुपया अनुदान मिले और बाकी हमारा थो 35,000-40,000 रुपया हो गया था हमारा, तो फिर हमारे 1 लाख कर्जो मिलियो था। नन जाने के बाद जो हमके जानकारी मिली ये समूह की महिला उनके हर बार हर महीने मीटिंग में हमने तय करियो कि कम से कम दूध अपन ने जरूर देनु चाहिए डेयरी में, तो महिला उनके थोड़ो फिर समझ में आयो तो थोड़ो थोड़ो चालू करो, आधा लीटर से हमने चालू करो फिर इनने चालू करो फिर सब दूसरी महिला उनने भी चालू करो, फिर इससे हमारा डेयरी में दूध थोड़ा ज़्यादा हुई गया जिसका पहला दूध बहुत कम था सदस्य कम था, अभी कम से कम 100, 120, 125 इतना सदस्य है डेयरी, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि दूध भी डेयरी में ज़्यादा हुई गया
और जी का बाद में समूह से हमारे यो फायदा है कि हर महीने हम 100 रुपया तो अपना पास निकली जाए, और अगर 5,000, 10,000, 4,000 की अगर अपन के जरूरत लगी तो 20 महिला का समूह में से अगर अपना 20,000 है 50,000 तो एक महिला को 5,000 की जरूरत लगी समूह में से निकले ना, अपन ने उनके कोई जमानतदार की जरूरत नहीं लगे तो वह प्रॉब्लम दूर हुई जाए। वे अपन को 5,000 की जरूरत है, समूह की महिला सचिव अध्यक्ष का दस्तखत करवा लो, वे पैसा अपन को मिल ही जाएगा। 4 महीना में 6 महीना में 12% का हिसाब से वे राशि जमा हुई। डिफाल्टर अलग अलग है महिला हो। समूह पहला कर्ज 1,00,000 रुपया निकला था जब हमने 1 साल में राशि भर दी थी, तब जब पहला आपने 1,00,000 रुपया दिया था हमने 1 साल में भर दी, अब फिर देना चाहिए कि नहीं? इनने गलती उनकी है, हमारी थोड़ी है, तो नहीं देगा तो हम आगे का कार्रवाई करेंगे। पहला इतनी बातचीत नहीं आती थी हमारे समूह से जुड़ने का बाद में हमके मतलब एक तो ज्यादा थोड़ा नॉलेज हुई होनी, तो पहला ऐसा कोई जानकारी नहीं थी कहीं बात की, तो इससे हमके मतलब फर्क यूं पड़ी गयो कि कोई भी आदमी आज अगर बड़ो अधिकारी भेज जाए कोई भी पूछे तो जवाब दे सका। गावड़ा की महिलाओं ने इतनी जागरूक है कि बिल्कुल चंचना गावड़ा में अधिकतर महिला चंचल मिलेगी आप। जो भी 20 महिला की बातचीत करनी हो, रजिस्टर पे हाजिरी लेनी हो, उनका दस्तखत करवाना हो, पैसा जमा कराए तो उनकी मतलब अपन के एंट्री करनी हो, ये सब काम का संभालने को हमारा काम। सचिव इन अध्यक्ष से उपाध्यक्ष से ऊपर को पद है हमारो, कहीं भी अगर इनके बातचीत करनी हो तो अपनी भी राय ले। अपना भी विश्वास है थोड़ी के वे चली जाए, चलना वैसे डर नहीं है कोई बात को नहीं तो निकली जाए चला। चलो मैडम, अच्छा नमस्कार। सरपंच बोली साहब हेंगे, हाँ बात कर रही है, मैं निमो सरपंच बोल रही हूँ। निमो सरपंच यहाँ की जगह जुलूस निकला, बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे फटाके फूटे जो कभी हमने जीवन में नहीं देखे थे फटाके फूटते हुए। मेरे को डर लग रहा था तो मैं छिप गई थी फटाके की उसमें आवाज में। बहुत सारे हार आए टोपले से, पूरे हार डाले हमारे ऊपर, कपूर से घर घर में आरती हुई है मेरी पूजन, और आसपास के एरिया के पूरे लोग आए क्षेत्र से देखने के लिए। मैं फील्ड में रहती थी, 10 आदमी भी खड़े थे मेरे को कोई डर नहीं रहता था, उनके बीच में जाके बात करना, बैठना उठना, मेरे पास कोई भी जानकारी लेने आसपास आके बैठना, जीजी से पूछे फलाना काम क्या है, ये
जीजी ज्यादा चल फिर करती है, इसलिए सारी जानकारी मेरे से लेते हैं सब कोई, तो मेरे को इसलिए किसी का जरा सा भी भय नहीं लगता, सबसे बात कर ली। ऑफिस में घुस गई, जो काम रहा बाकी उसको हाले हाल करवा के लाती हूँ। डरते भी कि ये महिला ज्यादा चिल्लाती है, इसलिए करो जल्दी। और जो सीधी सारी महिला वो खड़ी रहती है बाहर, उनका काम नहीं करते हैं। मैं तो अंदर घुस के करवा के लाती हूँ, जो भी जहाँ गलत दिखता है उसको करवाने के लिए तो व्यवस्था जमा नहीं पड़ती। घर गृहस्थी में काम करते हैं, ऐसे पूरे गाँव के काम में क्या क्या की गिनती बता सकती, सारे काम तो करवाने पड़ता है। साफ सफाई से लगा के पानी तक की व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी की बिल्कुल कमी थी यहाँ पे, ऐसे कहते हैं कि नर्मदा जी है आपके गांव में तो बहुत पानी है, कलेक्टर साहब भी कहते हैं इसे, लेकिन यहाँ आके देखेंगे 50-50, 60-60 फीट, 300-300 फीट, 200-200 फीट पे पानी नहीं है। उसके बाद पानी इतना नहीं है 200-300 फीट पे, तो फिर हमने को तो पानी तो पिलाना पड़ेगा कहीं से भी, इसलिए नर्मदा जी में डायरेक्ट मोटर डाल के और पानी सप्लाई कर रहे हैं। मैं किसी के बात नहीं मानती, स्वयं देखती हूँ, स्वयं जाती हूँ, स्वयं करती हूँ, तो अधिकारी के सामने मैं ही जाती हूँ लड़ने के लिए, तो जो भी कुछ होगा मेरे को होगा, सबको तो नहीं होगा। नहीं यूँ तो मेरे पीछे सब रहते हैं, आगे मैं हो जाती हूँ मेरे पीछे सब चल जाते हैं। 5 बजे उठती हूँ मैं, इसलिए घर का जल्दी काम करवाने के बाद ही, अभी तो लड़कियाँ हुए आधा काम ही संभाल लेती, खाने पीने का बना लेती बेचारी, नहीं टाइम मिलता तो मैं खुद कर लेती हूँ। उसके बाद गांव में वो डिलीवरी करने भी जाती हूँ, वो आटा गूंदा हुआ रखा या रोटी बना रही हुई तो फिर उठ के जाना, खाना खा रही हूँ तो भी जाना पड़ता, जाती हूँ। आपने खाया कुछ कल? इसको तकलीफ हुई है, तकलीफ हुई तो फिर अपन ने बोला चलो अस्पताल ले चले, नहीं ले जाए, ये बोला नहीं ले जाए, वो अपनी वो जीजी है ना, वो सरपंच जीजी है ना, उसको बुला लो। पहले आप बोलते थे कि वो अच्छी है, अस्पताल से ज्यादा काम कर देगी वो अपना, तो फिर भैया पूछा मैंने, भैया तुम जाओ तो बेटा और बुला खिलाओ जीजी को, क्योंकि हो जाता गया। और एकदम 5 मिनट नहीं लगे और जीजी यहाँ पर आ गई, उनकी यहाँ दरवाजा पे आई और उन्हें गले से गले मिले, मैंने वाह बहुत अच्छे हैं, मैंने देखो आ गई। फिर उसको मतलब पेट देखा, कमर देखा, उसके सब जांच करी उसको, क्योंकि बस डिलीवरी इसको हो जाएगी, कहीं मत ले जाना, मैंने ऐसा नहीं हो जाएगा अस्पताल का मौका आ जाए, क्योंकि कभी अस्पताल का मौका आ जाएगा तो मैं जान लड़ा दूंगा, पर मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पाटे मकान काम, महिला के पढ़ने से बहुत कुछ है, घर भी संभाल सकती है, परिवार भी संभाल सकती है, आसपास के एरिया के भी जानकारी रख सकती है कहाँ क्या हो रहा है। अब मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ने पढ़ने में महिलाओं को, वो 10वीं पास करी नहीं, इसलिए मेरे को पढ़ाने का योग भी मिला, तो मैं खुद महिलाओं को पढ़ा रही हूँ 10-12-11 महिला। मैं भी तो बुढ़ापे में पढ़ी हूँ, बताती हूँ उनको, पढ़ाती भी हूँ, समझाती भी हूँ, बोलती हूँ, जानकारी पूरी देती हूँ, और पढ़ने लिखने से उनको आगे लाती हूँ, आना फलानी मीटिंग है मीटिंग में भी बुलाती हूँ उनको। पहले मैं पूछो तुम्हारे साथ क्या नहीं हो, बोलो कम से कम 11 पंच आएंगे इकट्ठे होंगे तो मीटिंग शुरू होगी। अब एक पंच कब तक बुला, 11 पंच क्या कारण है? तो कारण मुझे वो आके बता, काफी झगड़े वो खाली सुवारत के लिए कि हमारे लिए ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा करेंगे, ऐसे दबाव बनाते हैं। तो जो सीधी साधी सरपंच है वो तो सुनती है, और जो नहीं सहन कर पाती वो तो जवाब देती है, हमने तो दिए जवाब। मेरे जैसे सब कोई बने तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को और ज्यादा हिम्मत रहेगी और बहुत खुशी रहेगी मेरे को। मेरे को तो आज से ही मानते हैं कि आप ये आगे आरक्षण में अगर रहा तो मैं जिले जनपद के ही लायक हूँ।